हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैर अहमद, सीईओ ब्रदर्स एयर कंडीशनिंग। हमने ये एचवीसीआर एग्जीबिशन में हॉल 5 में 48 जो इनका स्टॉल नंबर है उसमें अपना स्टॉल लगाया है, और इस वक्त जो हमने स्टॉल लगाया, जो आप काट दीजिएगा जब कोई चीज़ें वो हो जाएँ, तो ये बहुत ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, क्योंकि हम तो यहाँ के लोकल ब्रांड हैं, हम कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं लेके बैठे हैं कि जो हमारा स्पॉन्सर बाहर से आएगा। तो उसके बावजूद भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। उसकी वजह ये है कि एक तो गर्मियों का सीज़न है, नॉर्मली एचवीएसीआर की जो एग्ज़िबिशंस होती हैं वो गर्मियों में नहीं होती हैं, क्योंकि ये हमारा पीक सीज़न होता है काम का, और इस वक्त टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है प्रोजेक्ट्स वालों को भी, ऑपरेशन वालों को भी, और जो इलेक्शन वाले हैं तकरीबन तमाम ही फील्ड में एचवीएसीआर की। दूसरा, इस दफ़ा की एचवीएसीआर एग्ज़िबिशन में कराची का नंबर नहीं था, उसके बावजूद कराची को दिया गया, जिसकी वजह से शायद हमें फ़ील हो रहा है जो एग्ज़िबिटर्स हैं कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। क्यों है ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले बैठेंगे, वो मीटिंग करेंगे और क्या वो रूट कॉज हैं उनको तलाश करें, क्योंकि देखें हमारा मुल्क ऑलरेडी वैसे ही क्राइसिस में इतना घिरा हुआ है, तो बेहतर ये है कि हम पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर चलें और एक फैमिली की तरह चलें। छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम अगर इतने फ्लॉप इवेंट कराएंगे तो वो हमारे उससे पॉजिटिव इम्पेक्शन नहीं जाएगा, और उसका फ़्लॉप होने का शायद, या फ़्लॉप नहीं कहूँ मैं, इतना रिस्पांस ना आने की एक वजह ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 90% इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, और हमारे तमाम के तमाम जो इस वक्त बैंकर्स हैं वो LCI नहीं खोल रहे हैं, इम्पोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियली लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, तो इस वजह से ना हमारे बाहर के कोई डेलीगेशंस आए हुए हैं, ना और बहुत सारे जो नॉर्मली कराची आपका कमर्शियल हब है उसमें दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ चाइना के कुछ छोटे ब्रांड्स आए हुए हैं यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी डोमेस्टिक हमारी जो इंडस्ट्री है उसके हवाले से पाइप्स वगैरह लेकर या छोटे मोटे हीट एक्सचेंजर लेकर आए हैं। बेहतर यही है कि हम एक कंसेंसस के साथ काम करें और अपने मुल्क की बेहतरी और अपनी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करें, जिसका हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। थैंक यू। सर, इसमें जो अभी आप देख रहे हैं कि ये इन सारी चीज़ों के जो रीज़न्स हैं, कुछ जो है हमारी अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, कुछ इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी है, उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, और कुछ हमारे डॉलर की वैल्यूएशन है वो भी हमारे आपके ट्रेड के ऊपर, इम्पोर्ट पर कुछ इफेक्ट कर रही है। देखें, आप आँखें तो बंद नहीं कर सकते ना चीज़ों को लेकर, बीइंग अ बिजनेसमैन रियलिटी तो रियलिटी है, ऑफकोर्स इसके इम्पैक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें तो मुल्क को देखना है ना अपने, और उसी हवाले से काम करना है, इसीलिए हम इतना बड़ा पाकिस्तान बेस्ड कंपनी होके इतना बड़ा सेटअप लगा के बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, डॉलर वेरिएशन जो अभी शूटअप कर गया है, इससे हमारे इम्पोर्टर काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, उनका कहना है हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, हमारे कस्टमर ख़राब हो रहे हैं, अगर तो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है कि डॉलर कैसे कंट्रोल होगा। मैं तो बीइंग अ बिजनेसमैन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी कमिटमेंट्स थी या जो हमारे ऑर्डर्स थे उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, जो अभी आपकी जो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा उसको भी ज़रा ब्रीफ कर लीजिए कि कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है। देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन पे काम करता हूँ मेरी कंपनी, और हम कंप्लीट HVACR सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंपोर्ट से लेकर अरेक्शन तक, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग और इवन मेंटेनेंस और ऑपरेशन मेंटेनेंस भी शामिल है। तो मैं अपने कस्टमर को टोटल ट्रन की प्रोजेक्ट भी ऑफर करता हूँ, हम चिलर्स की और जो इंडस्ट्रियल चिलर्स या आपका प्रोसेस प्लांट होते हैं उनकी मेंटेनेंस ऑपरेशन करते हैं, उनको इंपोर्ट भी करके लाके देते हैं इक्विपमेंट्स को, और हमारे पास इस वक्त सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जिनको हम
ऑपरेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके सिस्टम्स को। सर आपकी जो फील्ड है, आपकी जो प्रोडक्ट है, ये मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं या मतलब कहाँ की मेडिंग कहाँ है? देखिए जी, असल में जो कमर्शियल इक्विपमेंट है वो तो जाहिर है मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में होता ही नहीं है, और जो होता है वो नॉर्मली ऐसी जगह यूज़ होता है जो कम्फर्ट कूलिंग वगैरह के लिए थोड़ा चल जाता है या छोटे ही इंस्टॉलेशंस के लिए चलता है। लेकिन जो मेरा जॉब है वो प्योर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है, तो उसमें ज़्यादातर जो इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर के डिज़ाइन होते हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के डिज़ाइन होते हैं और उन्हीं के ही पार्ट्स यूज़ होते हैं, जाहिर है जब उनमें प्रॉब्लम्स आती है, तो उस हवाले से हमें काफ़ी कंसर्न है ये डॉलर LC और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे। आपकी फील्ड के हवाले से कुछ लोग जो है प्रोडक्ट चाइना से भी मंगाते हैं, चाइना के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन चाइना के बारे में कहते हैं कि उसकी क्वालिटी नहीं होती, चले तो चांद तक बना, शाम तक वाली बात है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। वो US भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत सादा जवाब है, जितना पैसे देंगे वैसी प्रोडक्ट बनकर आएगी। जनाब, जो हमारे तमाम सीनियर्स कंसल्टेंट्स और जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है HVACR की, वो तमाम लोग खुद ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, वो बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। सर,